दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 की बेताज बादशाह वेस्टइंडीज को पहले T20 में धूल चटाने के लिए अब कप्तान हार्दिक ने कमर कस ली और उन्होंने अपनी टीम में कई बड़े बदलाव करते हुए ऐसे खूंखार खिलाड़ियों की एंट्री कराई है जिनके नाम मात्र से वेस्टइंडीज के पसीने छूट जाएंगे। तो आखिरकार पहले T20 में झंडा गाड़ने के लिए किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले कप्तान हार्दिक, कैसे किसे मिलने वाला है डेब्यू का मौका, यशस्वी और तिलक में से कौन बना पाया है टीम में अपनी जगह, भारत की पूरी प्लेइंग 11 हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक शुभमन और ईशान किशन में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अपनी बेइज्जती का बदला लेना किसे कहते हैं, ये टीम इंडिया ने दिखाया है। दूसरे वनडे में तो वेस्टइंडीज ने वापसी की थी लेकिन अपनी करारी हार का बदला लेते हुए जहां भारतीय बल्लेबाज खासतौर पर ईशान किशन और शुभमन गिल ने विस्फोटक अंदाज में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाया, 143 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे संजू और हार्दिक ने छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि गेंदबाजों की तो रूह कांप गई। नतीजा ये हुआ कि 50 ओवर में टीम इंडिया ने T20 की रफ्तार से 351 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इसका पीछा कर पाना वेस्टइंडीज के तो वैसे भी बस की बात नहीं थी, तो वहीं उनके लिए इस लक्ष्य को और भी नामुमकिन किया मुकेश कुमार ने, जिन्होंने महज 17 के स्कोर पर वेस्टइंडीज के 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। तो फिर कैरेबियाई टीम पर यमराज की तरह टूट पड़े शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने एक के बाद एक 2 बल्लेबाजों को चलता किया, तो फिर कुलदीप की फिरकी ने भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखी और आखिरी विकेट शार्दुल ठाकुर ने चटकाकर पूरी की पूरी वेस्टइंडीज को केवल 154 रनों पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसकी बदौलत भारत के लड़ाकों ने 200 रनों से एक यादगार जीत दर्ज कर पूरे क्रिकेट जगत को ये बताया कि उन्हें कम आंकना कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है। लेकिन वनडे के बाद अब बात आ रही है बारी T20 क्रिकेट की, जिसकी बेताज बादशाह वेस्टइंडीज मानी जाती है। 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज की टीम का खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में तो कोई सानी नहीं है। ऐसे में 5 मैचों की ये T20 सीरीज बेहद घातक और खतरनाक होने जा रही है। इसका पहला मुकाबला 4 अगस्त को होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से होने वाली। इस महामुकाबले का गवाह पोर्ट ऑफ स्पेन का क्वींस पार्क ओवल मैदान बनने वाला है, जहां बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं रहती है। इस T20 सीरीज में टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों को आराम दिया गया, ऐसे में उनके बिना वेस्टइंडीज को हरा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन कप्तान हार्दिक चुनौती से कहां डरते हैं, ऐसे में अब पहले ही T20 में वेस्टइंडीज को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटाने के लिए उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 2 दिन पहले ही तैयार कर ली है, जिसमें उन्होंने कई बड़े बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले तो उन्होंने ओपनिंग की कमान एक बार फिर ईशान किशन के साथ शुभमन गिल की धाकड़ जोड़ी को सौंपी, जिनके कंधों पर अपने फैंस के भरोसे पर खरा उतर भारत को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं मध्य क्रम में नंबर 3 के पायदान पर टीम इंडिया की बैकबोन के रूप में T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हमें नजर आने वाले। नंबर 4 में उनका साथ निभाने के लिए हार्दिक ने संजू सैमसन को चुना है, यानी कि अब संजू धीरे धीरे भारत में अपनी जगह सुनिश्चित करवाने जा रहे हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस भारतीय टीम की जीत और हार में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। तो वहीं नंबर 5 के पायदान पर कप्तान के सामने यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा के रूप में 2 विकल्प थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर की परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने तिलक वर्मा को आखिरकार भारत के लिए डेब्यू करने का मौका दे दिया है। यानी कि मुंबई का ये सितारा भारत के लिए चमकने को तैयार हो चुका है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या खुद अपने कंधों पर उठाने वाले अपने साथी के रूप में उन्होंने अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। इन दोनों के कंधों पर केवल बल्ला ही नहीं की गेंद से भी मुकाबले को भारत की झोली में लाने की अहम जिम्मेदारी रहने वाली है। तो वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में चहल कर साथ निभाने के लिए एक बार फिर कप्तान हार्दिक ने कुलदीप यादव की फिरकी पर भरोसा जताया है, यानी कि युजवेंद्र चहल को अपनी बारी के लिए एक बार फिर इंतजार करना पड़ा है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान उन्होंने वनडे सीरीज में खूब नाम कमाने वाले मुकेश कुमार के कंधों पर सौंप दी है। जहां पहली बार भारत के लिए T20 में ये खिलाड़ी अपना डेब्यू करने के लिए तैयार है, तो वहीं उनका साथ निभाने के लिए उन्होंने बाएं हाथ के रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह के साथ उमरान मलिक को प्लेइंग 11 का बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ये टीम इंडिया बेहद खतरनाक लग रही है, जहां बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी गहराई है और हर एक खिलाड़ी अपने आप में मैच विनर है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली की अनुपस्थिति में टीम इंडिया इस पहले T20 को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।